फराह खान 30 साल से कोरियोग्राफर हैं। जो जीता वही सिकंदर ने 30 साल पहले डेब्यू किया था। आमिर खान की फिल्म में उनकी कोरियोग्राफी ने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। उसके बाद उसके पास कई प्रस्ताव थे, उन्हें ऐसे परिदृश्य में कुछ फिल्मों से इनकार करना पड़ा। फराह खान ने अपना 30वां जन्मदिन बॉलीवुड हंगामा के साथ मनाया। यह पूछे जाने पर कि किस संगीत या फिल्म को ठुकराने का उन्हें मलाल है, उसने कहा, मुझे दिलवाले के संगीत को अस्वीकार करने का खेद है। 1995 जब वे स्विट्जरलैंड से लौटे तो मैंने रुक जा और दिल दीवाने को कोरियोग्राफ किया। सरोज खान जी ने वहां रहते हुए फिल्म से इनकार कर दिया। शाहरुख और आदि ने मुझे स्विट्जरलैंड जाने के लिए कहा, उन्हें टिकट मिल जाता था। फराह खान नहीं जा सकी क्योंकि उन्होंने नाना पाटेकर के साथ एक मचार आदमी को हिजड़ा बना देता है के लिए डेट किया था। यशवंत 1997 के फिल्म निर्माताओं को अंतिम समय पर छोड़ना गलत था। फराह खान ने कहा, आज भी शाहरुख और आदि ने मुझे याद दिलाया कि मैंने DDLJ को ठुकरा दिया था। चलो केवल नैतिकता तो तभी, मैं खुद को सांत्वना देती हूँ। फराह खान चाहती है कि वो किस गाने को कोरियोग्राफ करे। फराह ने जवाब दिया, काश मैं री ने पुष्पा की ओ एंतवा 2021 को कोरियोग्राफ किया। लंबे समय के बाद गणेश आचार्य ने बॉलीवुड का एक शानदार आइटम सॉन्ग किया है। यह अजीब है लेकिन बेहतरीन कोरियोग्राफी है।